नई दिल्ली से सिवान जा रही बस रात्रि 2 बजे के करीब जैसे ही अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 68.8 किलोमीटर पर जैसे ही पहुंची थी किसी अज्ञात वाहन से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। इसी के साथ टक्कर होने के चलते मौके पर 4 यात्रियों की मौत भी हो गई, जबकि 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बाजार शुकुल थाने की पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल यात्रियों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर पीताम्बर कनौजिया ने बताया कि 1 गंभीर रूप से घायल यात्री की मौत हो गई। जिसकी मौत जिला अस्पताल में हुई वो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी तक मृतकों के नाम पते की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी होते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार सहित पूरी फोर्स घटनास्थल और जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। पुलिस क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली से सिवान जा रही प्राइवेट बस रात्रि में करीब 2 बजे बाजार स्कूल थाने के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 68.8 किलोमीटर पर किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिस पर बैठे हुए करीब 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। क्रेन मंगवाकर बस को सड़क के किनारे करवा दिया गया है और यातायात बहाल हो गया है, शांति व्यवस्था कायम है। सर, 3 मामला है एक्सीडेंट का, क्या है पूरा मामला? ये जो है एक्सीडेंट का मामला है, जो जगदीशपुर से रिफर आया हुआ था, कुछ जो है बाजार स्कूल से आए थे। एक सिवा नाम का जो है 35 साल उम्र है, जिसको लाया गया यहाँ चेक किया गया, वो पढ़ाते था। हम लोग उसको जो है मृत्यु घोषित करती है। सिवा नाम का पे तो बिहार का बताया जा रहा है, लेकिन पूरा इसका आईडी जो है कन्फर्म नहीं है कहाँ है। पुलिस को सूचना दे दीजिए, वो जाँच करके बताएंगे कहाँ का रहने वाले। आज दिनांक 9/7/24 को रात्र में करीब 2 बजे थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 68.8 किलोमीटर पर एक प्राइवेट बस जो दिल्ली से सिवान जा रही थी वो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसपे बैठे हुए करीब 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। क्रेन को बुलाकर बस को किनारे करा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है।